निहाल चंद कई पकड़ सभी को बंद जेल में तरवावे। नहीं भागने देंगे तुमको थाने पकड़ के ले जाओ, वो नहीं भागने देंगे तुमको थाने पकड़ कर ले जावे। ओ निहाल चंद कई पकड़ सभी को बंद जेल में करवावे। नहीं भागने देंगे तुमको थाने पकड़ के ले जाओ, नहीं भागने देंगे तुमको थाने पकड़ के ले जाओ। दावरियों ने सोचा मन में इनसे नहीं छूट पावे, ये बिश्नोई पूरा सूरमा की सभी अपनी जान बचाओ, ये बिश्नोई पूरा सूरमा की सभी अपनी जान बचाओ। दुष्ट शिकारी असुर बावरी काम करे नित हानि का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म के कपूर वाणी का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म के। सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। निहाल चंद बोला, दुष्ट शिकारियों तुम्हारे को भागने नहीं देंगे, पकड़ करके थाने में ले जाएंगे, जेल में बंद करवाएंगे, तुमने जो कुकर्म किया है उसकी सजा दिलवाएंगे। ऐसे सूर में बिश्नोई निहालचंद के बोल सुन करके बावड़ियों ने मन में सोचा, इस सूर में बिश्नोई से बचना मुश्किल है। असुर शिकारी अपनी जान बचाने का चारा सोचते सोचते, और आगे सुनो, शिकारी निहाल चंद के सीने के बीच में दुष्टों ने गोली मारी। निहाल चंद भगवत को सुमरे सत्ता जोश चढ़ावी, निहाल चंद भगवत को सुमरे सत्ता जोश चढ़ावी। निहाल चंद के सीने बीच में दुष्टों ने गोली मारी, निहाल चंद भगवत को सुमरे सत्ता जोश चढ़ावी, निहाल चंद भगवत को सुमरे सत्ता जोश चढ़ावी। गोली लगने पर भी निहाल चंद गिर खूब जब हुशियारी, भगवत प्यारा भगवत सुमरे इस विद जंग रखा जाई, भगवत प्यारा भगवत सुमरे इस विद जंग रखा जाई। आगे हाल हुआ है ऐसा, आगे हाल हुआ ऐसा, सुनो उन दुश्मन जानी का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। वीर निहाल चंद ने दिखलाया जग में जोश जवानी का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। से ओम विष्णु भगवान की जय। दुष्ट शिकारियों ने निहाल चंद के सीने में गोली मार दी, गोली लगने पर भी वीर सूरमा बिश्नोई निहाल चंद धारणिया भगवत नाम का स्मरण करता हुआ दुष्ट शिकारियों को भागने से रोके हुए दुष्ट शिकारियों से लड़ता रहा। और देखो आगे जिस दुश्मन दुष्ट शिकारी ने निहाल चंद के पहली गोली मारी थी,
तो उसका क्या हाल होता है? गिरा ऊंट से दुष्ट शिकारी, तन में चोट लगी भारी, शीश तले पग हुए ऊपर को लात ऊंट ने जमाई, शीश तले पग हुए ऊपर को लात ऊंट ने जमाई। गिरा ऊंट से दुष्ट शिकारी, तन में चोट लगी भारी, शीश तले पग हुए ऊपर को लात ऊंट ने जब मारी, शीश तले पग हुए ऊपर को लात ऊंट ने जब मारी। हाथ बंदूक लगी पसली, मेरे पसली टूट गई सारी, आए यम के दूत फटाफट जकड़ फांस गल में डाली, आए यम के दूत फटाफट जकड़ फांस गल में डाली। ओ मार मार के खून निकाला, ओ मार मार के खून निकाला, निकले तेल जू घाणी का, ये सजनो हाल सुनावे अधर्म के कुर्बानी का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे अधर्म के कुर्बानी। वीर निहाल चंद ने दिखलाया जग में जोश जवानी का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे अधर्म के कुर्बानी का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ, ऊंट चमके और एक दुष्ट शिकारी ऊंट से नीचे गिरा, हाथ में जो बंदूक थी वो बंदूक दुष्ट शिकारी के पसली के नीचे आ गई, जिससे दुष्ट शिकारी की पसलियां टूट करके चूर हो गई, और इधर से ऊंट ने लात मारी जो दुष्ट शिकारी के सिर में लगी, और दुष्ट शिकारी मरने की हालत में हो गया। उस समय भगवान के हुक्म से यमराज ने अपने दूत भेजे, जो यम के दूत आए और आते ही दुष्ट शिकारी को गुर्जों से मार मार करके सारा खून तन से बाहर निकाल दिया। जैसे घानी से तेल निकलता है इसी प्रकार की हालत होती है। कैसेट नंबर 3, वीर विष्णु इन हालचंद धर्मिया की साखी, गायक व लेखक रामकरण पूनिया उर्फ बजरंग रामकरण ओम विष्णु शरणम, राजन स्टूडियो जोधपुर, श्री कृष्णा कैसेट कंपनी जोधपुर, रिकॉर्डिंग करता कान सिंह जी सोलंकी, तबला वादक पूनम जी द्वारका, ढोलक पर संगत करता रविंद्र जी बागड़वा, खंजरी बजाने वाले खिमराज जी द्वारका, सहयोग में भेरा राम जी शर्मा देशनोक निवासी। सबनम कैसे सॉन्ग एंड साउंड पुरानी धर्मशाला पीछे नौका। जकड़ ले गए यम के दूत यम लोक में दुष्ट हथारे को, अग्नि से कर कर मसला के सजा दी हथारे, अग्नि से कर कर मसला के सजा दी हथारे। जकड़ ले गए यम के दूत यम लोक में दुष्ट हथारे को, अग्नि से कर कर मसला के सजा दी हथारे, अग्नि से कर कर मसला के सजा दी हथारे। हलटकाया अग्नि में जाला खूब हत्यारे को, सब प्रकार के नर को बीच में डाल दिया हत्यारे को, सब प्रकार के नर को बीच में डाल दिया हत्यारे को। यम दूतों ने किया काम,
बाबा और सखी क्या कहानी था। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म के ठाकुर वाणी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म के ठाकुर वाणी का। वीर निहाल चंद ने दिखलाया जग में जोश जवानी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म के ठाकुर वाणी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म के ठाकुर वाणी का। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। यम के दूत उष्ट दुष्ट शिकारी बाबरी की आत्मा को पकड़ करके यम लोक में ले जा करके अग्नि से गर्म सलाखे करके उसकी आंखों में डाल करके उसको सजा देने लगे और अग्नि में ऊंधा लटका करके उसको जलाने लगे। चारों ओर से खींचा तानी करके और बड़ी दुष्ट को यातना देने लगे। सब प्रकार के नरकों में उसको डाल दिया गया। निहाल चंद भगवत का प्यारा भगवत नाम सुमरता जी। बाकी दुष्ट शिकारी भागे विष्णुओं से डरता जी। बाकी दुष्ट शिकारी भागे विष्णुओं से डरता जी। निहाल चंद भगवत का प्यारा रे भगवत नाम सुमरता की दुष्ट शिकारी भागे विष्णुओं से डरता जी। ये शिकार हिरण वही डारे ऊंट सवारी करता जी। पहुंच गए विष्णुई मिलकर देखा हाल सब बीता जी। पहुंच गए विष्णुई मिलकर देखा हाल सब बीता जी। सब लोगों ने देखा हौसला भगवत ध्यानी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म के ठाकुर वाणी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म के ठाकुर वाणी का। वीर निहाल चंद ने दिखलाया रे जग में जोश जवानी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म के ठाकुर वाणी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म के ठाकुर। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। वीर विष्णु निहाल चंद धारणिया भगवान का प्यारा भगवान का नाम शमरण कर रहा था। उस समय भी उसका बड़ा हौसला था। जब विष्णुई लोगों ने जाकर के देखा तब उनको पता लगा वास्तव में भगवान का ध्यान करने वाला भगवान का भक्त निहाल चंद बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था और लगातार भगवान का नाम सुमरे जा रहा था। विष्णुई सब कहने लगे थे निहाल चंद मत घबराना। करवाए उपचार तुम्हारा दल के बीच धीरज लाना। करवाए उपचार तुम्हारा दिल के बीच धीरज लाना। वो विष्णुई सब कहने लगे थे निहाल चंद मत घबराना। करवाए उपचार तुम्हारा दिल के बीच धीरज लाना। करवाए उपचार तुम्हारा दिल के बीच धीरज लाना। विष्णुओं ने देखा हौसला विष्णुओं के सन्मुख हुआ यूर निहाल चंद का फरमाना। मेरे तन में कष्ट कोई ना भगवत कृपा से स्वर्ग जाना। मेरे तन में कष्ट कोई ना भगवत कृपा से स्वर्ग जाना। करना चाहिए सबको काम करना चाहिए सबको काम नित गुरु सत फरमानी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म के ठाकुर वाणी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म के ठाकुर वाणी का। वीर ने
हाल चंद ने दिखलाया जग में जोश जवानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। वहां उपस्थित सब विष्णु जनों ने निहाल चंद का हौसला बढ़ाने के लिए कहा, वीर विष्णुई निहाल चंद, तुम घबराना नहीं, हम तुम्हारा उपचार करवाएंगे, तुम ठीक हो जाओगे। मगर वीर विष्णुई निहाल चंद हरणिया भगवत नाम श्रवण करते हुए कहा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, मेरे तन में जरा सा भी कष्ट नहीं हो रहा है और मैं भगवान की कृपा से स्वर्ग जाऊंगा। धर्मगुरु जामोजी ने जो सब धर्म बतलाया था उसको धारण करना चाहिए। इस प्रकार की बात का संकेत करते हुए निहाल चंद ने कहा कि भगवान की शरण में रहते हुए भगवत के गुणगान करते रहना चाहिए और शिकार करके जीवों को मारना तो सब प्रकार से ही जो धर्म के विरुद्ध काम है और भयंकर पाप है। हर विष्णुई के लिए तो ये जरूरी है कि विष्णुओं की हद में विष्णुओं को चाहे कि किसी भी प्रकार से किसी को किसी भी जीव का जो है शिकार नहीं करने दिया जाए हैं, और हरे वृक्षों को भी नहीं काटने दिया जाए और न काटना चाहिए। इस प्रकार से निहाल चंद ने जो है सबको शिक्षा दी और उसी समय भगवान के हुक्म से स्वर्ग से विमान आया और निहाल चंद ने सबको कहा, देखो भाइयों, भगवान का हुक्म हो गया है, मैं स्वर्ग जो जाऊंगा विमान में बैठ करके और भगवान के हुक्म से मैं स्वर्ग जाऊंगा। इस प्रकार से सजनों निहाल चंद जो है भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान नाम श्रवण करते हुए वीर विष्णु निहाल चंद हरणिया स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया और भगवत कृपा से वीर विष्णु निहाल चंद हरणिया ने स्वर्ग लोक में वास किया। और इधर निहाल चंद के पार्थिव शरीर को दुष्ट शिकारी बावरियों की गोली से शिकार द्वारा मारे हुए हिरणों की लाशों के बराबर भूमिदाग अंतिम संस्कार किया गया। विष्णुई समाज की रीति रिवाज के अनुसार करके वहां पर जानवरों के लिए चून चूगे सहित पानी दुखाली आदि का प्रबंध भी किया गया है और प्रतिवर्ष एक बार भगवत महिमा गुणगान के लिए सत्संग जने जागरण का प्रस्ताव भी पास किया गया है। उसी स्थान पर धर्मगुरु जामोजी की फरमाई अनुसार विष्णुई समाज में किसी भी प्रकार से कोई जाय जीव की पूजा स्मरण नहीं होता, पूजा स्मरण एक ओम विष्णु भगवान का ही होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वीर विष्णु निहाल चंद धारणिया की यादगार में यादगार सबूत भी बनाया गया है। कोई किसी प्रकार की जो है यानी जाय जीवों की पूजा स्मरण का प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार से ये वीर विष्णुई निहाल चंद्र धारणिया की जो गाथा एक इतिहास के रूप में गायन के रूप में प्रस्तुत जो की जा रही है और जो आपने सुनी इस प्रकार से, वीर निहाल चंद्र ने दिखलाया, वीर निहाल चंद्र ने दिखलाया रे जग में जोश जवानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी। वीर निहाल चंद ने दिखलाया रे जग में जोश जवानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। हे मानो गुरु जम्ब का कहना शरण ओम विष्णु की रहना। मानो गुरु जम्ब का कहना शरण ओम विष्णु की रहना। मानो जम्ब का कहना शरण ओम विष्णु की देना।
पाया की ओम विष्णु ने दाया तभी ये मानव जन्म पाया। भजन से सफल करो काया सार सत पुरुषों की गहना मानो गुरु जम्भ का कहना शरण ओम विष्णु की रहना मानो गुरु जम्भ का कहना शरण ओम विष्णु की रहना। ये भूल ओम विष्णु को जावे वो दुर्जन कभी ना सुख पावे। ये भूल ओम विष्णु को जावे वो दुर्जन कभी ना सुख पावे। फिर वो बहुत पछतावे बहुरी तन मिलता ये है ना मानो गुरु जम्भ का कहना शरण ओम विष्णु की रहना मानो गुरु जम्भ का कहना शरण ओम विष्णु की रहना। अंत में पूछे हाल सारा बोले नवा माता पिता प्यारा। अंत में पूछे हाल सारा बोले नवा माता पिता प्यारा। संगी ना कोई ओवे सुत दारा नाम बिना मित्र कोई है ना मानो गुरु जम्भ का कहना शरण ओम विष्णु की रहना मानो गुरु जम्भ का कहना शरण ओम विष्णु की रहना। नाम बिना नाम बिना कभी नहीं गत है सभी सद ग्रंथों का मत है। ये नाम बिना कभी नहीं गत है सभी सद ग्रंथों का मत है। ओम विष्णु शरण में एक सत है सचा सुख और कोई है ना। ये ओम विष्णु शरण में एक सत है सचा सुख और कोई है ना मानो गुरु जम्भ का कहना शरण ओम विष्णु की रहना रे मानो गुरु जम्भ का कहना शरण ओम विष्णु की रहना। नाम बिना कभी नहीं गत है सभी सद ग्रंथों का मत है। नाम बिना कभी नहीं गत है सभी सद ग्रंथों का मत है। राम कृष्ण एक ही सत है सचा सुख और कोई है ना मानो गुरु जम्भ का कहना शरण ओम विष्णु की रहना रे मानो गुरु जम्भ का कहना शरण ओम विष्णु की रहना। जाग सोने वाला रे भाई भजन बिना समय बीता जाए। वो जाग सोने वाला रे भाई भजन बिना समय बीता जाए। जाग सोने नींद में जन्म बहुत सोया अभी तक होश ना होया। वो नींद में जन्म बहुत खोया अभी तक होश ना होया। सत्य का पंथ ना तोया झूठ में डूबा तू जाई। जाग सोने वाला रे भाई भजन बिना समय बीत जाई। जाग सोने वाला रे भाई भजन बिना रे समय बीत जाई। ये
ये सपन सम देख जग माया समझ में, ये सपन सम देख जग माया समझ में, का समय आया त्याग दे झूठ का छाया सत्य में, कमी कोई नाही जाग सुने वाला रे भाई, भजन बिना समय बिता जाई, जाग सुने वाला रे भाई, भजन बिना रे समय बिता जाई। प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। लख चौरासी जू लख चौरासी जू सब भगवद रचना, भरण पोषण सब हाथ, भगवत घरे कोई खजना, दया कर पाले जीव दयालु दया के सागरी, अहित करे ना सबा का हित सी परमेश्वरी, पापी मारे जीव धर्मी जन रक्षा करे, नित भगवद के भगवद के दास जीव सके बिसनोई मरे, सर जानिए ने डूंगर गज कही, आए शिकारी हिरण मारिए करी न एक फल दीन, निहाल चंद बिशनोई धरणिया भगवत ध्यान लगा, हत्यारों को जाल लकारा, हत्यारों को जाल लकारा, ए जल भी पहुंचिया जायो यो गाम सामते सर गाम सामत सर जानी, ये शिकारी हिरण लिए ठायो यो ऊँटों पर लागिया ने सबको घेरा जाए, दुष्ट शिकारी केवण लागिया बिश्नोई हट जाए, न्याल चंद जग बोलिया ने ऐसे बोलिया जाए,
लाल चंद जब केवन लाजा सुन लोई कान लगाए, बोला लाल चंद हरण मारिए वापिस दो पहुंचाए। विष्णु यारी कांकड़ में भाई विष्णु यारी कांकड़ में, ये क्यों जीव मार दिए आयो, यदि नजदीक नाल चंद लागी नजदीक न्याल चंदला। ओ जय भगवान।